हमको बहुत बदनामी वाली डरे हमारे पूरे परिवार का हमारी पूरी समाज का नाक कट गई था एक प्रोग्राम नहीं कर पा रहे और जे लो, लो की जो लोग लोगी जो गात से और सबसे और फूल बोता है ना वो तो। अरे कांवड़ ला रहे हैं तो क्या हुआ कुछ भी लाए हथियार भी तो दिखा रहे नहीं है क्या आपको फायरिंग कर रहे हैं तलवारा चला रहे हैं जी कहाँ कावर भर रहे हैं कांवर तो हमारे बच्चे वगैरह गरीबों के जाते हैं वो चढ़ाते है कांवड़ लाने से क्या लगता है नहीं हमको तो कोई फायदा नहीं क्यों लाते हम नहीं ला बच्चे लोग जाते हैं बहुत से मना रहे हैं ना हम लोग कभी नहीं जाते और ना मंदिर जाते हम लोग स्कूल कॉलेज भेजे उनको है स्कूल कॉलेज हाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं हमारे बच्चे प्रशासन शासन सब दोनों चीज लगी हुई है मुख्यमंत्री फोन लगा देता है और प्रशासन आया था टेंट वगैरह सारा जब्त कर लिया सर ये क्या है नमस्कार मैं ओमदेव आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये सियाना का आ, सराय ये गांव है जहां पर हम बैठे हुए हैं जहां हम बैठे हुए हैं यहां से दस फुट की दूरी पे बहुजन क्रांति स्तंभ है इसकी स्थापना यहां की गई थी आज यहां पर झंडा फहराया जाना था जो समिति है बहुजन क्रांति स्तंभ की लेकिन वो कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया इस बारे में बात करेंगे आ, सर क्या नाम है आपका हम मेरा मोहन मित्तल नाम है और मैं दीपक का पिताजी हूँ दो अप्रैल में मेरा बेटा शहीद हो गया था हाँ और हमारे जैसे एक टिकोटिया भी हो गया था दो लड़के शायद हुए दो अप्रैल में दो हम, दो को जो आंदोलन हुआ था था देश में उसमें मेरा बेटा मारा गया था। कहाँ पर ये गल्ला कोठार ग्वालियर में बोले मध्य प्रदेश से आए हैं मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं हम, हम लोगों को सम्मान में बुलाया था बाबूजी ने इनके रात को भी टेंट वगैरह खिंचवा दिए सारे लोग हमको मालूम पड़ी तो हमारे दिल तो बहुत तेज पड़ी सर हम किसी का कुछ ले रहे हो तो कोई बात मांग रहे हो तो जी साहब चाहिए हमारे बेटों का बनाया है स्थान तो ये लोग प्रशासन भी कमी कर रहा है हमारे साथ और विधायक लोग भी कर रहे मित्तल जी आप ग्वालियर से आए हैं आ, कब आए थे यहाँ पर बुलंदशहर में रात को आए थे साहब एक बजे हम लोग कौन कौन आए थे आपके साथ हमारे साथ हमारी फैमिली आई थी और भी पांच लोग आए थे हमारी आपको यहाँ पे निमंत्रण भेजा था यहाँ निमंत्रण भेजाया था दो क्या कहा था ये भेजाया था कि आप आपके बेटों की यहाँ पर स्थल बनाया है तिरपन पट और दो अप्रैल को भी पहल हो गया और अभी भी है तो हमारा पहल हो गया रात को हम अब अपने घर जा रहे हैं अब प्रशासन है ना ये सारी कमी कर रहा था विधायकों की और मंत्रियों की सारी साहिश है लेकिन मित्तल जी आपके जो बेटे शहीद हुए थे तो दो अप्रैल दो को कितनी उम्र थी उनकी मेरे बेटे की चाल बाईस साल थी सर पढ़ रहे थे हाँ जी कितने में फर्स्ट में था वो कितनी क्लास में वो पढ़ रहा था चौदह क्लास में अच्छा तो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे थे हाँ तो आंदोलन चले, चले गए थे दो अप्रैल दो हजार अठारह हमारे घर पे ही आए थे मारने के लिए हम कौन हाँ? लोग थे वो वो लोग चौन, राजा चौन तो अच्छा। थे राजा चौहान और लवली तोमर और हाँ कम से कम उन्तालीस आदमी की हमने रिपोर्ट डाली थी और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो घर पे बैठा हुआ था आपका बेटा वहाँ वो आ गए थे हम रोड पे ही रहने वाले हैं साहब गांधी रोड के सामने ही रहने वाले हैं सामने सबरण लोग रहते हैं हमारी भी बिल्डिंग बनी है उनकी भी बनी है उनके भी धंधे चल रहे हैं उनतालीस आदमी के नाम कराई थी अब सात आदमी रहेंगे साहब बाकी जो नाम काट दिए सारे नाम काट दिए सात लोगों में से कुछ गिरफ्तारी हुई नहीं कोई नहीं हुई दो तीन महीने के लिए हुई और उनने सारे लोग छोड़ दिए केस चल रहा होगा हाँ और समीर चौहान ने ये डलवा दी पेपर में के दो अप्रैल के सारे केस माफ हो गए अच्छा तो हमारे साथ धोखा हो रहा है साहब हमारी समाज के साथ धोखा हो रहा है कहाँ जाओ तह हमारी इज्जत ख़राब हो रही है हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया हमसे मूल निवासी के बोलते हैं और हमारा ही सारा हक है हमारी ही ज़मीन जा, जा जाते और जो लोग बाहर से आ गए हैं और इन लोगों ने हमारा ही कब्जा छोड़ा लिया आप मूल निवासी हैं हम मूल निवासी हैं हमारा सरकार चल रही है आजकल सरकार क्या जी किरायेदारनामा बन के आयो हमारा सारा ही सामान चुरा लिया इन लोगों ने अच्छा। हाँ और क्या झेके जे? रहने वाले होगी जो की क्या है कोई भी हुआ है ये तो कहते रहने वाले है किरायादार है ये तो हमारे आजादी का अमित मौसम मनाया जा रहा है आज पूरे हाँ। देश में झंडा फहराया जा रहा है नहीं बन रहा है लेकिन आपका यहाँ पे झंडा नहीं फहराया जा फहराने दे रहे ना साहब हम लोग सारे इकट्ठे होने को चाहते हैं और ये लोग हम वो प्रशासन दबाव डाल देता है बोल रहे आपने परमिशन नहीं ली थी कार्यक्रम की नहीं नहीं हमने ली थी ना साहब दी थी वो दे तब आप गए थे उनके पास हाँ गए थे हम गिरफ्तार कर देते हैं साहब हम अपने एम में गिरफ्तार हो जाते हैं हमारे बच्चों की शराधाजी नहीं, नहीं देने देते ये लोग और कलेक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो पीछे से भाग जाते हैं बोलो किसको बात करें परमिशन नहीं देते कार्यक्रम नहीं देते ना साहब हमारे पास दवा मोदी सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तो कमीशन की सरकार चल रही है साहब साहब की सरकार है एकत्तर थी पेट्रोल आज एक सौ दस रूपये हो गई चालीस रूपये का वही खा रहा है चौहान लेकिन वो तो कहते हैं मामू की सरकार है, है। पांच सौ रूपये में सिलेंडर मिल गया था आज हमको तेरह सौ रुपये में सिलेंडर मिल रहा है बताओ बच्चे पालें कि अपने सिलेंडर बनाए मार डाले अपने बच्चों को इतनी हमारे साथ हो रही है बहुत जाना सबसे जाना साहब अच्छा पहले तो थी तो नहीं तो ही दो साल पहले वो कहाँ से दे रही थी कांग्रेस सरकार लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी वो साइकिल दे रहे हैं बिटिया को नहीं दे रहे वो लोग कमीशन खा रहे हैं चालीस रुपए एक लीटर पे पेट्रोल पे सिलेंडर पे पाँच सौ रुपए का मिलने वाला पेटोल, था पेट्रोल गैस तो बाहर सात सौ रुपए का रहे हैं तभी तो ये पैंतीस पैंतीस तो पचास पचास लाख रुपए दे के और हमारे यहाँ का वो, वो तो देश का विकास भी, भी तो करना है ज्योति राव सिंधिया ने पचास पचास लाख रुपए ले गए और बाईस विधाक ले गए उनने तो अपनी सरकार बना ली अगलो हम लोगों गरीबों के बच्चे हैं चार लाख पांच लाख हमारे बच्चों की तो पूरी हत्या हो गई बेटियों की हत्या हो गई तीन साल की पढ़ाई भी बेकार हो गई ये कौन सी सरकार है सर नारा दे रहे हैं काल है आजादी नहीं का अमृत महोत्सव है नहीं साहब ये तो पूरा दबाव है पहुंचा रहे हैं नहीं वो। नहीं वो पहुंचा रहे है है। नहीं वो तो सारे लोगों का नाम ले रहे है ना नानी का नाना का सब का नाम ले रहे भलाई चाहो भाई लोगो मोदी कह रहा है मेरे को वोट देना हम लोगों ने तो कभी नहीं कही दल तो लोगों ने को वोट देना क्यों तुम तीन लोग हैं हम लोग तीन सौ लोग हैं तुमको तो हमारे पीछे ही चलना है हम हाँ पीछे हो नहीं हम कहीं को पीछे हैं वो तो आएंगे कल हमको चूतिया मनाने के लाओ साहब टिकट दो अच्छा और क्या सरकार तो हम बनाते हैं जे क्या सरकार बनाते हैं तो आपको अनाज मिल रहा है फ्री पाँच कुछ नहीं दो किलो दे रहे साहब दो किलो तीन किलो चावल शक्कर बंद हो गई मिट्टी का तेल बंद हो गया काबी का तो ही मैं मेरी कम से कम सत्तर साल हो गई अच्छा कुछ नौकरी वगैरह मिल रही है आपके क्षेत्र में कोई नहीं था, पुरानी नौकरी छूट गई भी बंद कर है, जी कहते है कि आप जो है निर्भर बनिए झूठ बोलते हैं झूठ टॉप थ्री में जाएगा इंडिया नहीं जा रहे हैं ना सर देख लो ना आप तेरह सौ रुपये का सिलेंडर भी चलिया टॉप में जाएगा कहा पाँच सौ रुपए कहा सात सौ रूपये तो कर रही है सरकार कुछ, कुछ नहीं कर रही है, बन रहे है। उन पे उनकी मंत्रियों की गाड़ी चल रही तो भुँगे भुँगे है पुलों पे हमारे बच्चे तो भूखे गए भूखे रह गए हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं तीन साल की पढ़ाई बेकार हो गई कई मोबाइल से पढ़ाई होती है सर अच्छा अरे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है हमारे साथ हमारी समाज के साथ हो रहा है और बाकी लोग के साथ नहीं हो रहा नहीं किसी के साथ नहीं हो रहा हमारे बच्चे हम सत्तर साल के हो गए और हमारे भाई और हम लोग नौकरी पे लगे थे आज हमारे बेटा और जमाइए से सारे जो बिना नौकरी घूम रहे हैं हमारी बेटियां घूम रही हैं हम लोग भाषण काबिल नहीं है काबिल नहीं है हम हमको चूतिया बनाया जा रहा है पूरा आप आक्षण के दम पे आगे बढ़ते हो नहीं 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 नहीं, नहीं आरक्षण कहाँ है हमारा है ही नहीं है चौदह परसेंट दे रहा है हमको सत्रह परसेंट कुछ सम में हमको मार रहा है वो तभी तो सरकार जाएगी योगी जी की तभी सरकार जाएगी योगी जी तो मंदिर बनवा रहे हैं अरे कुछ नहीं बनना अब तो पोलम फोलम पालो ना ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर दी ने, ने, योगी जी कुछ नहीं, नहीं होगा जी कुछ नहीं होगा पंद्रह लाख दे रहे बेटियों को तो पंद्रह बेटी ही नहीं बचेंगी तो किसको देगा ये साथ ही नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो तो ठीक है ना तो देख लो ना नंगी फिर रही है बेटी

अम्बेडकर वादी भी नहीं हम तो बुद्ध जी तो है।, है हम मानते हैं उनको क्यों नहीं मानेंगे तो नहीं तो हमको सिखाया है उनसे मरबे से पहले हम बुद्ध क्या नहीं ले लेंगे छिहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए जो दलित हैं गरीब गुरबा जातियां हैं कुछ इनकी तरक्की हो रही है क्या आजाद है ऐसा कुछ नहीं है साहब गुलामी चल रही है अभी दबे हुए हम लोग गुलामी कैसे है कहाँ गुलाम हो? गुलामी ऐसे है ना साहब तो देश में कहीं भी आओ कहीं भी जाओ नहीं साहब ऐसे कैसे चले है कहाँ चले है? हम कोई कहीं रोकता है आपको नहीं रोकते है ना कहा रोकते है कहीं भी रोकते हमको जो अब प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग इसमी में ही रोक लगा दिया कोई भाई प्रोग्राम कर रहा है आंग उठ रहा है तो उसको भी नहीं कर आजादी नहीं है झंडा फहराने आजादी नहीं है हम तो दबे हुए हैं अभी तक और चूतिया बना के हमारे टिकट ले जाते हैं ये लोग ये कौन लोग हैं जेले बीजेपी लोग वाले हैं जो कोटे से सांसद चुने जाते हैं विधायक चुने जाते हैं हाँ। वो कुछ काम करते हैं आपके लिए नहीं नहीं हमारे लिए कोई काम नहीं करे रहे हैं दस बीस हजार रुपए दे, दे दे तो चूतिया बना के वो ले जाते हैं वोट हमको तो पैसे में बिकते हैं आपके वोट कुछ नहीं वो पैसे में क्या बिकते हैं हम तो खाने में ही पीते होंगे अरे पौआ नहीं हम तो दो पूरी मिल जाती उसी में बिछ जाते हैं और चूतिया बना के ले जाते हैं हम लोग आप क्या तो धीरेन्द्र बाबा बहुत प्रचलित है कोई नहीं है हमारे यहाँ बाबा बाबा बागेश्वर नहीं 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 ये तो अभी तीन दिन से आ गया बाबा अरे वो साल से आप क्या प्रचलित अपने घर का इतिहास नहीं बनाने वाला बागेश्वर बाबा कुछ निकालते हैं अरे कुछ नहीं निकालते मेरे बता रहे यहाँ जो बहुत सारी कथाएं होती है हम नहीं मानते उनको हम हमसे लोग जाते हैं कथाओं में मर जाते है ना हम लोग मंदिर में जाते हैं तो दलित लोग अभी से नहीं मालूम हमको पचास साल से मालूम है अंदर भगवान के यहाँ जाता है तो चिया चोत हो जाता है भगवान अच्छा मतलब हाँ। दूषित हो जाते हैं तो और क्या अभी मंदिर दु, दुलवा रहे मंदिर अब हाँ, मंदिर से हम कभी नहीं जाते हम तो आपको कैसे पता तो मरना है क्या हमको मंदिर में से मरते तो मरते है ये तो तो भगवान मिलते हैं राजपति का अभी मंदिर दुलवाया है आपको मालूम नहीं आप पत्रकार बन रहे हो सब कुछ बन रहे हो सी और मंदिर दुलवाया गया तब अपने राजपति गए थे तब हम मुरमुरो जी आ गई तो उनके जात पे देखो वो नंगी रही है उनकी

इनके लिए डबल अनियन की सरकार है हमारे लिए कोई डबल अंजन की सरकार नहीं है तो फिर ये सत्ता में कैसे आ गए सत्ता में झूठ बोल के आ जाते हैं अरे वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं वो ये झूठ बोलते हैं अच्छा है। हिंदू राष्ट्र तो आप कहाँ ठहरोगे कहाँ ठहरेंगे हाँ। खालिस्तान जाएंगे बाबा साहब ने मांगा था हाँ और क्या मतलब एक देश और बनाना चाहते हो और क्या करेंगे बताओ तब जो हम मार रहे हैं पीट रहे हैं हमारी बच्चियों को तमाम परेशान कर रहे हैं चार को, अब चार सौ ही बंद कर दी अब कहीं में चले जाए मोगी के घर चले जाए हम पढ़ने के हमारे बच्चे चले जाए चार तो सौ तो स्कूल बंद हो चुके मध्य प्रदेश में।, 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 में चार सौ स्कूल बंद हो गए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे हम एक रुपये दे के अपने बेटों का एडमिशन करा रहे थे आज वो पच्चीस हजार रुपये लगेंगे तो, तो हम बहुत पीड़ित हो सरकार से अरे पीड़ित का हमको बहुत सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये तो फिर सत्ता में आते जा रहे हैं सत्ता में अब मालूम पड़ेगा ना अब कहते तो फिर भी आ जाते नहीं हैं। नहीं, नहीं नहीं अब मालूम पड़ेगा ये तो जो कूड़ा बरसा रहे हम लोगों पे कौन नहीं जानता सात सौ रुपए का सिलेंडर मिलता था थे लेकिन आप... आपके एक हैं भी तो हैं जो सुने जाते हैं। वो हैं। है हैं। तभी तो सरकार बना लेते हैं जी हाँ। आ, अब उनको ही तो सबक दिखाना है हमको कैसे दिखाओ सिखाओ अरे वोट देंगे नहीं हम टिकट फिर क्या करेंगे सरकार बनाने वाले हमें वोट डालने वाले हमें हम हमारी जीत जब होगी तब हमारे भाई जीतेंगे और संकट में आएंगे तब हमारी आवाज़ उठाएंगे और विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और जे लोग हमारे आवाज़ ही नहीं उठाते पर लालच डालते हैं और झूठ बोलते हैं और निकल जाते हैं